दिन था आज़ादी का, सभी जगह आज़ादी की खुशी मनाई जा रही थी। और उसी आज़ादी के कुछ घंटों बाद 15 अगस्त 1947 को पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में एक बंगाली परिवार में राखी गुलजार का जन्म हुआ था। जी हाँ, आज की कहानी राखी गुलजार के नाम। तो दोस्तों, क्या थी राखी गुलजार की बायोग्राफी, आज हम इस वीडियो में पूरा ला रहे हैं। वीडियो को देखिएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। राखी गुलजार बचपन से ही होनहार थी, वे फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में एक निर्देशक के साथ हुई थी और वहीं से उन्हें फिल्मों में आने का रुझान बढ़ चुका था। राखी गुलजार एक भारतीय अभिनेत्री तो हैं ही, जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में काफ़ी काम किया है। राखी सिनेमा में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हुई तो शादी टूट गई, क्योंकि उनकी शादी जो हुई थी एक बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ हुई थी। वे फिल्म में निर्देशक थे, इसलिए राखी को काम करने का अच्छा मौका मिल गया। तो उन्होंने बंगाली फिल्म का रुख किया और बंगाली फिल्म के मधुवारुण में सबसे पहले अभिनय किया। फिर 1970 में आई हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु, जिसमें राखी का काम बहुत अच्छा था। इसमें नायक थे धर्मेंद्र कुमार। 1971 में इनकी 3 फिल्में आईं, शर्मिली, लाल पत्थर और पारस, और ये तीनों ही फिल्में काफ़ी लोकप्रिय रहीं। 70-80 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री थी जो फिल्मों में लगातार काम करती हुई अपने अभिनय का डंका पीट रही थी। फिल्मों के साथ साथ उन्हें सपोर्टिंग रोल का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलता जा रहा था। राखी जब 16 वर्ष की थी जब उनकी शादी फिल्म निर्देशक अजय विश्वास के साथ हो गई थी। अजय विश्वास उम्र में काफ़ी बड़े थे, इसलिए 2 साल बाद ही इनकी तलाक हो गई। फिर फिल्मों के दौरान इन्होंने गुलजार साहब से दूसरी शादी की, लेकिन गुलजार साहब इन्हें फिल्म नहीं करने देना चाहते थे। इस दंपति की एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था मेघना, लेकिन गुलजार और राखी कई कारणों से अलग हो गए, लेकिन कानूनी तलाक उन्होंने नहीं लिया। दोनों ने मिलकर अपनी बेटी मेघना गुलजार का पालन पोषण किया। राखी ने कई हिट फिल्में देते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहजादा, आँखों में, हीरा पन्ना, दाग, हमारे तुम्हारे, आंचल, श्रीमान श्रीमती, ताकत जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। शशि कपूर के साथ 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें शर्मिली, जानवर और इंसान, कभी कभी, दूसरा आदमी, तृष्णा, बसेरा, बंधन, कच्चे धागों का, जमीन आसमान, पिघलता आसमान और शशि कपूर के साथ 1985 में किया पिघलता आसमान। 1980 के बाद वे माँ की धमाकेदार रोल में भी नजर आई, चाहे राम लखन हो, करण अर्जुन हो, बादशाह हो, बाजीगर हो, अनाड़ी हो, बॉर्डर हो, सोल्जर हो, एक रिश्ता और दिल का रिश्ता, सभी फिल्मों में उन्होंने एक बच्चों की परवरिश करने का अच्छा मिसाल दिया है, जिसमें वे हर दुश्मन से बदले की भावना लेने के लिए एक अपने बच्चे का परवरिश करती है और फिर अपने दुश्मन से बदला लेती है। माँ का अच्छा किरदार निभाने के लिए उन्हें कई सपोर्टिंग इनाम भी मिलते आए हैं। एक बार फिल्म डकैत की शूटिंग के दौरान उन्हें फिल्म के एक इंटेंस सीन में चीखना और चिल्लाना पड़ा था। वे इतना चीखी कि कंठ की एक नस में खिंचाव आ गया और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। राखी एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जो अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम भी किया। लगभग उन्होंने 13 फिल्मों में काम किया। उनके साथ हर फिल्म में उनकी नायिका के रोल में उन्होंने रोमांस भी किया, लेकिन एक फिल्म थी शक्ति, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन का रोल माँ का किया था। वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो अभिनेता के साथ अभिनेत्री का रोल करते हुए भी माँ का रोल भी प्ले किया है। 2003 में भारत सरकार द्वारा भारत देश के 4th सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से राखी को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही 3 फिल्मफेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला है। फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए राखी गुलजार को 16 बार अभिनेत्री तथा 8 बार सहायक अभिनेत्री के रूप में नामित किया गया था। 1990 में राम लखन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड, 1977 में तपस्या के लिए फिल्मफेयर अवार्ड और 1974 में दाग के लिए सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्मफेयर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था।
फिल्मों का दौर चलता गया। राखी अब थक चुकी थी। उन्होंने फिल्मों से कई बार ब्रेक भी लिया और कई बार फिल्मों में आने का भी सोचा। आए भी और फिल्मों में काम भी किया। उनकी आखिरी फिल्म थी 2003 में शुभ मुहूर्त, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया था। इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। बाद में इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। राखी की एक डायलॉग काफ़ी मशहूर है। करण अर्जुन फिल्म का एक डायलॉग था जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान ने उनके बेटों का रोल किया था। इसमें दोनों का डबल रोल था और एक माँ कई सालों तक अपने पुत्रों का इंतज़ार करती है और सबसे कहती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इस डायलॉग की कभी कॉमेडी बनती है तो कभी रियल सीन में कभी दिखाया जाता है। कई स्टेज शो में भी इस डायलॉग को प्ले किया जाता है क्योंकि यह एक फेमस डायलॉग बन गई थी एक माँ के लिए। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, गाना तो आपने सुना होगा। यह गाना शायद उनकी ज़िंदगी के उदास पन्नों पर भी छपता हुआ नज़र आता है। उदास आँखें सदा किसी को ढूंढती नज़र आती हैं, उम्र तो ठहरता नहीं। उन्हीं उदास नैनों के तले आज राखी 75 वर्ष की हो चुकी हैं। उनकी माँ उनके जन्मदिन पर खीर बनाती थी, इसलिए वे जब भी अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाती है या नाती की जन्मदिन मनाती है तो वे भी खीर बनाती हैं। पर्दे की दुनिया जितना शानदार था उतना ही उनकी निजी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। राखी जी की दो शादियाँ हुई थी जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ। एक हुई थी बंगाल फिल्म निर्देशक पत्रकार अजय विश्वास के साथ और दूसरा गुलजार साहब के साथ। गुलजार साहब की शर्त पर नहीं टिकने के कारण राखी और गुलजार दोनों अलग हो गए, लेकिन एक वायरल फ़ोटो 2020 के अनुसार दोनों की होली खेलते हुए फ़ोटो नज़र आ रहे हैं, जिसमें राखी पहचान में तो नहीं आ रही हैं क्योंकि वह काफ़ी अब उम्र के अनुसार बूढ़ी हो चुकी हैं। दोस्तों, आज राखी के बारे में मैंने बायोग्राफी लिखी है। जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपसे शेयर की है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम फिल्मों का दौर तो देखते हैं लेकिन उस अभिनेत्री या अभिनेता के बारे में नहीं जान पाते जिसके बारे में हम ज़्यादा ही कुछ सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखिएगा ज़रूर, पूरा देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। देखने वाले मेरे सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद।